अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ETS Zuai Collection। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपको जिस मेडिसिन का रिव्यू देने लगी हूँ उसका नाम है प्रेगनाजोन। इसकी मुकम्मल डिटेल के बारे में हम बात करेंगे कि इसके यूजेस क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके प्रिकॉशंस क्या हैं, इन और इसकी डोजेस क्या हैं। इन सब के बारे में आज हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। प्रेगनाजोन टैबलेट बेसिकली एक सप्लीमेंट है, यानी कि प्रेगनाजोन जो है एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है। बहुत अच्छी आपको ये, आपकी बॉडी को ये एक ताकत देता है। इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसमें 21 न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है फॉलिक एसिड। इसमें फॉलिक एसिड के साथ साथ हमें इसमें विटामिन्स भी मिलते हैं, जो कि इसमें अहम विटामिन्स में जो है इसमें विटामिन डी है, विटामिन B3 है और विटामिन B12 है। और इसके अलावा और भी बहुत से विटामिन्स इसमें हम पाए जाते हैं। इसमें हमें आयरन और जिंक भी मिलता है और इसमें बहुत से ट्रेस एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जो कि फीमेल्स में फर्टिलिटी की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। इस टैबलेट को हम बिफ़ोर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के दरमियान भी इसको थ्रू आउट प्रेगनेंसी हम इसको यूज़ कर सकते हैं और आफ्टर प्रेगनेंसी भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिफ़ोर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से पहले इस्तेमाल से हमें ये फ़ायदा होता है कि ये जो टैबलेट है ये हमारे एग को मैच्योर होने में और एग की जो क्वालिटी है उसको ये बेहतर बनाती है, एग को मैच्योर करता है और हार्मोन्स जो इम्बैलेंस होते हैं, यानी कि जिन फीमेल्स के हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं उनको भी ये ठीक करता है, यानी कि उनको बैलेंस करता है, ताकि प्रेगनेंसी के लिए जो बॉडी है वो, आपकी जो बॉडी है वो उसको ये तैयार कर सके। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये न्यूरल जो डिसऑर्डर होते हैं उसको ठीक करता है, ताकि बर्थ में कोई डिफेक्ट ना आए, यानी कि बेबी में कोई भी किसी भी किस्म की कमी ना हो, कोई डिफेक्ट ना हो। और आफ्टर बर्थ ये इस तरह से काम करता है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो होती हैं, जो माएँ ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती हैं, उनमें डिलीवरी के बाद जो है वो बहुत सी फीमेल्स के अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा उनको इंटरनली जो है ना उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है, तो ये उस कमी को भी पूरा करता है, ताकि बेबी को जो है मदर फीड करवाने में मदर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो मदर फीड करवा रही होती हैं उस फीड की जो क्वालिटी है वो भी ये ठीक रखता है, उसमें तमाम तर न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। इसलिए भी आफ्टर प्रेगनेंसी आप इस टैबलेट को ज़रूर इस्तेमाल करें, यानी कि इसमें ये बताया गया है कि आप जो ये प्रेगनाजोन टैबलेट जो है ये माएँ जो होती हैं आफ्टर प्रेगनेंसी वो इस टैबलेट को ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि वो आपकी फीड की जो क्वालिटी है उसको ठीक करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। ये रिप्रोडक्शन सिस्टम को ये ठीक करता है, फर्टिलिटी इश्यूज़ की प्रॉब्लम को भी जो होती हैं फर्टिलिटी इश्यूज़ को ठीक करता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, फीडस्ट की ग्रोथ में हेल्प देता है। ये मेडिसिन इसके साथ साथ इम्यून सिस्टम को भी ठीक रखता है। इसकी डोजेस के बारे में अगर हम बात की जाए तो आपने एक टैबलेट डेली लेनी है और इसके साथ साथ आपने इस टैबलेट को आफ्टर मील, यानी कि खाने के बाद ही आपने इस टैबलेट को लेना है, खाली पेट आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, जस्ट आपने इस टैबलेट को जिस टाइम स्टार्ट किया है आपने नेक्स्ट डे भी सेम उसी टाइम पे इस टैबलेट को लेना है। तो व्यूअर्स, ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन प्रेगनाजोन टैबलेट के बारे में। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो ये थी आज की मेरी ये वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को
ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।